वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में हुंडरू फॉल को एक्सप्लोर करेंगे। और आज दशमी का दिन है, विजयदशमी का दिन। हम लोग को लगा था कम भीड़ रहेगा, लेकिन अच्छा खासा भीड़ है। गाड़ी हम लोग आगे लगा दिए हैं पार्किंग में और टिकट विकट भी ले लिए हैं। अभी हम लोग जाते हैं। वाह, यहाँ एंट्रेंस के समय में ही यहाँ छोटे छोटे होटल्स जो हर जगह रहते हैं। भी उतर रहे हैं, देखते हैं कितना सीढ़ी है। तो ये है हुंडरू फॉल। ये एकदम एक इधर में एक साइड है जहाँ वहाँ जो रेड फ्लैग दिख रहा है, मतलब वहाँ से आगे नहीं जाना है, जा भी नहीं सकते। यहाँ नीचे भी थोड़ा सा फिसलन रहता है। पहले वहाँ से लोग चले जाते थे अंदर, लेकिन अभी थोड़ा मना किया गया है। पूरा रेड फ्लैग दिख रहा है। यहाँ पगडंडी, थोड़ा जंगल वाला रास्ता में हम लोग जा रहे हैं। तो यही है हुंडरू फॉल का बेस। और इधर से जंगल का एरिया से जाते हुए आगे कुछ सेफ एरिया है जहाँ बच्चे लोग जा सकते हैं, कुछ थोड़ा एडल्ट एरिया, थोड़ा जंगल झाड़ होते हुए आगे जाने का रास्ता है जहाँ देख सकते हैं आगे में कुछ लड़के लोग नहा रहे हैं। ऐसा ही काफ़ी आगे में रेड फ्लैग है, जो दिखाई दे रहा है कि नहीं, लेकिन रेड फ्लैग है, मतलब उधर नहीं जा सकते उतना दूर, लेकिन यहाँ तक थोड़ा सेफ एरिया है और अच्छा से जाके टाइम को एंजॉय कर सकते हैं। हम लोग भी एंजॉय किए अभी। तो अभी हम लोग आ गए हैं, ये है हुंडरू फॉल का अपर साइड। अपर साइड में बहुत ज़्यादा जगह नहीं है, काफ़ी स्लिपरी ये सब है, पहाड़ सब है। काफ़ी अच्छा एरिया है ऊपर में भी, और यहाँ तो बकायदा लिखा भी हुआ है यहाँ स्नान करना सेफ है। ये जो जगह है ना, यहाँ से पानी बह कर आ रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा जमा हो रहा है, और यही पानी इधर से आगे बढ़ता हुआ आगे फिर गिर रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यही हुंडरू फॉल का अपर एरिया है। यहाँ आप बहते हुए देख सकते हैं झरना को, और आगे वही पॉइंट से गिरता है और वही नीचे में जो दिखाई दे रहा था। तो गाइस, हम लोग घूम लिए हुंडरू फॉल। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आते समय रास्ता में ही एक डैम पड़ता है। रांची में दो तीन मेन डैम है, उसमें से एक डैम है केथलसूद डैम, जो यहाँ दिख रहा है आपको सामने में। अभी दोपहर लगभग 3:30 बजे का समय है, इसलिए धूप काफ़ी अभी सख्त है। थोड़ा और शाम को आते तो काफ़ी अच्छा नज़ारा दिखता, लेकिन ठीक है। उधर दूर आपको कोना में घने पेड़ दिख रहे होंगे, काफ़ी बेहतरीन लग रहा है यहाँ का नज़ारा। ये तसुर डैम का ही पानी नीचे जा रहा है। ये देख सकते हैं धान लगाया गया है। कुछ नहीं तो फोटो सेशन करने के लिए तो ये बहुत अच्छा ही जगह है।